हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो स्पार्क गो फ़ोन है, तो टेक्नो स्पार्क गो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट क्यूआर कोड ऑप्शंस है, तो हॉटस्पॉट क्यूआर कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कैसे कनेक्ट कर सकते हैं टेक्नो स्पार्क गो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कैसे कर पाएंगे और कैसे क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन में। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, शो हो रही है, तो आपके पास सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया है। या फिर यहाँ से बैक करके आपको जाना है हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग सेटिंग्स पे, तो हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। सिंपली हॉटस्पॉट को ऑफ करते हैं तो कोई भी ऑप्शंस नहीं आएगा, या सिंपली हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो यहाँ पर हॉटस्पॉट क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली शेयर क्यूआर कोड के ऑप्शन के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके भी बिना पासवर्ड के वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट करके वायरलेस इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकते हैं इसके जरिए। सिंपली बस क्यूआर कोड स्कैन करना, बिना स्कैन करते बिना पासवर्ड के नेटवर्क किसी भी फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा और इंटरनेट भी आप चला सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें चाहें तो आप वाईफाई में स्कैनर सेटिंग्स का भी यूज़ करते हैं। आप किसी भी अदर फ़ोन के जरिए क्यूआर कोड को ओपन करके स्कैन करके नेटवर्क को अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। तो इस तरीके से बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं टेक्नो स्पार्क गो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।